अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें? अखिल भारतीय संत मत सत्संग की तरीकत मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूरत, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, मूर्ति। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपनी आत्मा से प्रश्न कीजिए कि भगवान का वो स्वरूप जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है उसको चुने। उसके बाद किस नाम से आप उनको याद करेंगे उसको भी चुने, मंत्र। तो क्या हुआ, दो चीज आपने चुनी, एक अपना इष्टदेव और एक मंत्र। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए, जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस आसन पर बैठे हैं उसी आसन पर बैठे, बड़े प्यार से धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े आराम से बैठिए और बैठने के बाद ये महसूस कीजिए कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है। सशरीर भावना से अपने इष्ट को अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, ख्याल से भाई तौर उसमें इतने लीन हो जाए कि जब तक आप ध्यान करते हैं तब तक और कोई विचार और ख्याल ना आए, पर आएगा। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्टदेव की मूर्त अपने सामने बनाएं, फिर हटाइए अपने इष्टदेव की मूर्त अपने सामने बनाएं। जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुनिए कि हमारे हृदय से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से अपने इष्ट का नाम विद फुल फोर्स जिह्वा से ले सकते हैं। इतना फोर्स उस नाम में होना चाहिए कि ना कोई दूसरा विचार रहे ना ख्याल, उसमें तल्लीन हो जाए, उसी की याद हो, उसी का ख्याल हो, समर्पित भाव से बड़े प्यार से अपने इष्ट के नाम को ले। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल, ये दो समय निश्चित कीजिए और आधे घंटे में 20 से 25 मिनट
ध्यान को दीजिए। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम अल्लाह वाहेगुरु क्राइस्ट गॉड, वो क्या करें, वो कैसे ध्यान करें? बड़े आराम से बैठिए, बड़े प्यार से। उसके बाद ये महसूस करें कि हमारे हर दिल की धड़कन पर जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है, हृदय ओम ओम कह रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। उसके वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए और आनंदित हुए। बड़े प्यार से इस काम को करना है। जब भी कोई सांसारिक बात आपके ध्यान में आए, दिमाग में आए, उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की याद में लगे, फिर हटाइए, अपने इष्ट देव की याद में लगिए। अगर आज ध्यान करते हुए आपके 100 विचार एक मिनट के अंदर आते हैं तो निश्चित समझिए, अगर ये अभ्यास आप बराबर करते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई विचार आपके आगे नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने साधक की दृष्टि से गीता में 4 बात बताई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग्य। अभ्यास, अभ्यास पर बहुत भारी जोर है और सारी जिंदगी हम एक चीज का अभ्यास करते चले जाते हैं और उसकी परफेक्टनेस पर देखते चले जाते हैं। बड़े प्यार से अगर इस तरीके से अभ्यास करेंगे, बड़ी सुंदर स्थिति होगी जब भी आप अपने इस देव के चरणों में विश्राम चाहेंगे, बड़े प्यार से विश्राम मिलेगा, ना कोई दूसरा विचार रहेगा ना ख्याल, और हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, वो बताती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब विचार हट जाए अपने इष्ट देव के चरणों में, फिर दोबारा उस चीज को पकड़े, अपने इष्ट देव को दोबारा अपने इष्ट देव में ध्यान लगाइए। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मधुरमुखादा सद्गुरुनादा मिमूतलिपे प्रतिगाधा नामालिन्नो रूपालिन्नो नामालिन्नो रूपालिन्नो तेलुसुकुने दारुंदा मधुरमुकादा सद्गुरुनादा मिमूतलिपे प्रतिगाधा दीनुला पालिता दैवमुनीवनी करमुलु जोड़िंचीनाने
शरण नवारिनी करुणिंचेवनी मरी मरी प्रार्थिंचिनाने దీనుల పాలిట దైవము నీవని కరములు జోడించినానే శరణన వారిని కరుణించేవని మరి మరి ప్రార్థించినానే ఆ కదలన్నీ కల్పనలేనా ఆ కదలన్నీ కల్పనలేనా కలనైనా రావేమీ మధురము కాదా సద్గురునాద మిము తెలిపే ప్రతిగాద నామదినేమి మందిరమనుకొని కొలు ఉండగా తరలి రారాదా నీ మధునామే నానువనూన పలికించవాది దేవా నామదినేమి మందిరమనుకొని కొలు ఉండగా తరలి రారాదా నీ మధునామే నానువనూన పలికించవాది దేవా వందనమయ్యా శ్రీ యశుపాలా వందనమయ్యా శ్రీ యశుపాల అభయము నందించరావా మధురము కాదా సద్గురునాద నిము తెలిపే ప్రతిగాద నామాలెన్నో రూపాలెన్నో నామాలెన్నో రూపాలెన్నో తెలుసుకునే దారుందా మధురము కాదా సద్గురునాద మిము తెలిపే ప్రతిగాద రూపాలెన్నో నామాలెన్నో రూపాలెన్నో తెలుసుకునే దారుందా మధురము కాదా సద్గురునాద మిము తెలిపే ప్రతిగాద
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। असुजिय हृदय विचारी तजु संशय भजु राम पद सुनु गिरि राज कुमारी भ्रम तम रवि कर वचन माम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही कछु भेदा गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। अगुन स्वरूप अलख अजु जोई भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा तेहि किमि कही अभी मोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं दोनों जल ही तो हैं ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निसा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और सदैश्वर्य युक्त भगवान हैं। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान जीव धर्म अहमिति अभिमान राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराण। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कहि शिव नायउ मात सियावर राम जय जय राम। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है प्रकाश के भंडार हैं
सब रूपों में प्रकट हैं। जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवायाम। निज भ्रम नहीं समझही अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरही जड़ प्राणी, जथा गगन घन पटल निहारी, झापे उभानु कही कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाय, उमाराम विषयिक असमो नभ नम नभ तम धूम दूर जिमी सोहम। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सोना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता, इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है, और इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु, जासु सत्यता तें जड़ माया, भासु सत्य इव मोह सहाया। ये जगत प्रकाश में है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, भंडार हैं, जिसकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सीप मौ भास जिमी, जथा भानु करवारी, जदपि मृषाति हूँ काल सोई, भ्रम न सकई को उटारी, सियावर राम जय जय राम। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि है प्रतीति तीनों काल में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। एहि विधि जग हर्याश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख हई, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी तरह ये संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है
तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस ब्रह्म मिटी जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम असुगावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है, क्या बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैरों के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के, बिना जिह्वा के सारे छहों रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत कुशल वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्रान बिनु बास अशेखा। अस सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर के, बिना ही त्वचा के स्पर्श करता है, बिना आंखों के देखता है, बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जे इमिगा वही वेद बुद्ध, जाहि धरही मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशल पति भगवान सियावर। राम जय जय राम। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। बोलो सत्य प्रेम की जय। ओम जय सतगुरुदेव, जय पद शरणम, ओम शांति।
अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जानें व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें न सुने। सत्य व मधुर बोलें। अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें। सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।